हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीएड के कंप्लीट कोर्स को एक क्रैश कोर्स की तरह से, और यहां पर आप लोग रिसेंटली हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे टीचिंग एंड लर्निंग यानी कि शिक्षण एवं अधिगम, जिसका मैंने 3 यूनिट कंप्लीट करा दिया है, जिसमें कि चौथा यूनिट हम लोग कर रहे थे तो उसको भी मैंने लास्ट टाइम में कंप्लीट करा दिया है। और चौथे यूनिट में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, चौथे यूनिट में आपने पढ़ा है कि टीचर क्या होता है, टीचिंग क्या होता है, और टीचर के जो प्रोफेशन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, टीचर्स प्रोफेशनल आइडेंटिटी कौन कौन सी होती है, उन सारी चीजों को मैंने बहुत ब्रीफली तरीके से आपको लेक्चर प्रोवाइड करा दिया है। आप अपना कॉन्सेप्ट के यहां पर उन चीजों को देख करके बहुत इजीली आप अपना आंसर 110% इफेक्टिव बना सकते हो, किसी भी तरीके से लिख सकते हो, जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाए। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आज जो हमारा टॉपिक होगा, यहां से जो आपका टॉपिक शुरू होता है, यहां पर पहला देख सकते हैं आप टीचिंग एज अ प्रोफेशन। टीचिंग एज अ प्रोफेशन से आपका जो है पांचवा यूनिट स्टार्ट हो जाता है। टीचिंग प्रोफेशन को क्या बोलेंगे हिंदी में, बोलेंगे शिक्षण एक पेशा के रूप में या फिर व्यवसाय के रूप में। शिक्षण एक पेशा या फिर व्यवसाय के रूप में या बिजनेस के रूप में, इसको बोलेंगे प्रोफेशन। का मतलब व्यवसाय होता है, बिजनेस होता है, पेशा होता है, व्यवसाय को यही क्या कहते हैं, प्रोफेशन को बोला जाता है। अब इस बात को समझिए कि ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आप पूरे चौथे यूनिट में आप देखेंगे तो पूरा का पूरा ये प्रोफेशन के ऊपर ही बना हुआ है। लेकिन अगर फिर भी देखा जाए कि पांचवे यूनिट में भी इसको इंक्लूड कर दिया गया है, तो ये अगर देखा जाए तो सिर्फ सिलेबस को ब्रॉड करने के लिए, सिलेबस को और लेंथी खींचने के लिए, 2 साल वाला बनाने के लिए सिर्फ इस तरह से किया गया है। बाकी इसमें जो जितनी बातें हैं वो डिस्कस हो चुकी है। लेकिन अगर आप जो है आपके क्वेश्चन में अगर लॉन्ग आंसर लिखने के लिए आता है, तो ऑब्वियसली लॉन्ग आंसर लिखने के लिए आप 4 से 5 पेज तो जरूर लिखोगे, तो इसलिए कंपलसरी हो जाता है कि इसमें भी जो भी पॉइंट है उसको भी आप समझ लें, ताकि और क्लियरली तरीके से और इफेक्टिव तरीके से आप आंसर लिख सके। इतना समझ में आ गया कि प्रोफेशन क्या होता है। सब लोगों का अपना अपना प्रोफेशन होता है। जैसे कि फार्मर लोगों का क्या प्रोफेशन होता है, फार्मिंग करना है ना, खेती करना, अच्छी उपज उगाना, अच्छे फसल उगाना, उनका प्रोफेशन होता है। पुलिस ऑफिसर का प्रोफेशन क्या होता है कि वो क्या करेंगे, जनता को रक्षा देंगे, जनता को सेफ्टी जोन प्रोवाइड कराएंगे और जनता की हेल्प करेंगे, ये प्रोफेशन उनका होता है। तो ये यहां पर जो हमारा होता है टीचिंग एज अ प्रोफेशन होता है। तो टीचिंग एज अ प्रोफेशन क्या कहता है, टीचिंग एज अ प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी कार्य जिसके द्वारा हम अपना जीवन जीने के लिए, यानी कि कोई भी काम जिसके द्वारा हम अपना जीवन जीने के लिए क्या करते हैं, अर्निंग फॉर लाइफ, जो हम अपनी जिंदगी जीने के लिए अर्निंग करते हैं, पैसे कमाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है टीचिंग प्रोफेशन या फिर प्रोफेशन कहा जाता है। अब टीचिंग प्रोफेशन में कौन सी बात आती है, इसको जो साइकोलॉजिकल वे में क्या बोला जाता है उसको समझिए। देखिए टीचिंग प्रोफेशन में देख सकते हैं द वर्क फॉर विच वी नीड सम स्पेसिफिक स्किल्स एंड बाय विच वी कैन अर्न फॉर लाइफ। ठीक है, वो कार्य जिसके करने के लिए हमें कुछ विशिष्ट कौशलों की आवश्यकता होती है और जिनके द्वारा हम जीविकोपार्जन कर सकते हैं। जीविकोपार्जन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं, अपनी लाइफ जी सकते हैं। इतना समझ में आया कि क्या होता है टीचिंग प्रोफेशन, क्या होता है, जिसको करके हम अपने कुछ कौशलता के थ्रू से कुछ अर्निंग कर सकते हैं, कुछ पैसे कमा सकते हैं और जिंदगी को जी सकते हैं। अब ये माना जाता है कि जो टीचिंग प्रोफेशन होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, आदर्श होता है ना, सबसे ज्यादा क्या कहता है, उच्च स्तरीय होता है, जिसमें कि बहुत सबसे ज्यादा डिग्निटी होती है। टीचिंग प्रोफेशन में सबसे ज्यादा इज्जत होती है, टीचिंग प्रोफेशन में ही सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीजें रखी जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है, इसलिए कि शिक्षक को राष्ट्र निर्माता माना जाता है। शिक्षक को क्या माना जाता है, एक आइडियलिस्टिक माना जाता है, और आइडियलिस्टिक आदर्श शिक्षक हमेशा ही क्या करता है, सकारात्मक तरीके से वो लोगों के बिहेवियर को, हर चीजों को, बिहेवियर को हर तरीके से क्या करते रहते हैं, डेवलप करते रहते हैं। तो ये माना जाता है कि जो शिक्षण प्रोफेशन होता है वो सबसे ज्यादा जो है वैल्यूएबल होता है, और वैल्यूएबल होने की वजह क्या माना जाता है कि शिक्षक को राष्ट्र निर्माता माना जाता है, क्योंकि वो हमेशा जो क्या कहते हैं कि देश का आने वाला जो कल है, देश का जो क्या जो विकास है वो विकास को डेवलप करता है, आने वाला जो कल है उसको डिसाइड करता है। आज जो जिंदगी हम जी रहे हैं वो सिर्फ शिक्षक के थ्रू से, शिक्षण के थ्रू से सीखते हैं, और कल जो हमारा बेहतर बनेगा, हम अपने कल को कैसे संवारेंगे, किस तरीके से क्या कहते हैं उसको निखारेंगे, किस तरीके से तराशेंगे अपने कल को, वो कौन सिखाता है, सिर्फ शिक्षण प्रोफेशन सिखाता है। तो कहने का मतलब है कि शिक्षण प्रोफेशन सबसे ज्यादा वैल्यूएबल, सबसे ज्यादा डिग्निटीफुल क्या कहते हैं कि जॉब होती है, प्रोफेशन होता है।
इतना समझ में आ गया कि क्या कहते हैं टीचिंग प्रोफेशन क्या होता है। अब यहां पर जो है ना टीचिंग प्रोफेशन के कुछ स्किल्स होते हैं, टीचिंग प्रोफेशन के कुछ स्किल्स होते हैं। देखिए यहां पर देख सकते हो आप प्रोफेशनल आइडेंटिटी एंड टीचिंग स्किल्स, प्रोफेशनल आइडेंटिटी एंड टीचिंग स्किल्स, ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया है, पहले भी बता दिया और लेक्चर में भी प्रोवाइड करा दिया। पिछला जो लेक्चर है थोड़े से लेंथी है, लेकिन सारी चीजें मैंने आपको वहां पर डिस्कस कर दिया है। अगर आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपका जो आंसर होगा बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। मैं और जो कुछ पॉइंट रहते हैं इसमें वो डिस्कस करता हूं। देखिए यहां पर पहला जो पॉइंट होता है प्रोफेशनल नेचर, यानी कि टीचिंग प्रोफेशन में सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि जो शिक्षक होता है ना उसका नेचर कैसा होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, दिखने में भी एक जो है उसकी पर्सनालिटी दिखाई देना चाहिए, उसके पहनावा भी इस तरह से होना चाहिए, उसका जो बिहेवियर वो भी एक बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि प्रोफेशनल नेचर होना चाहिए, उनका वृत्तिक छवि होना चाहिए। उसके बाद होता है गुड कम्युनिकेटर, संप्रेषण कौशल, यानी गुड कम्युनिकेटर का क्या मतलब है कि एक शिक्षक के अंदर में देखो शिक्षक का काम क्या होता है, शिक्षक का काम टीचिंग एंड लर्निंग ही तो होता है ना। तो अगर वो गुड कम्युनिकेटर नहीं कर पाएगा, अपनी बातों को अपने अच्छे तरीके से बच्चों के साथ एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, तो उसको क्या है उसको प्रोफेशन नहीं बोला जाएगा। क्योंकि प्रोफेशन का मतलब ये होता है कि आपको उसमें अच्छी तरीके से पकड़ हो और आप अच्छी तरीके से सृजनात्मक तरीके से लॉजिकली तरीके से आप उसको डेवलप कर पाओ। उसके बाद होता है आपका करियर कमिटमेंट, यानी कि वृत्तिक प्रतिबद्धता है ना। तो क्या होता है कमिटमेंट, करियर कमिटमेंट, एक शिक्षक के ऊपर ये सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि आप जो पढ़ा रहे हैं आप जो सिखा रहे हैं वो किसी करियर से कोरिलेट करके, यानी कि आप लॉजिकली जो चीजें पढ़ा रहे हो उसको जॉब से कोरिलेट करके, जो चीजें आप पढ़ा रहे हो उसको परिणाम से कोरिलेट करके आप पढ़ाओ। इसीलिए लर्निंग क्या कहा जाता है, लर्निंग वो नहीं है कि आप लाइफ में जो सीखते हो, लर्निंग वो है जो लर्निंग आपकी लाइफ में आपके बिहेवियर में चेंजिंग करता है, वो लर्निंग है। तो टीचिंग क्या है या टीचर प्रोफेशन क्या है, जो क्या है ये कमिटमेंट देता हो कि आपको जॉब दिलाएगा, आपको परिणाम मिलेगा अगर आप ये चीजें करते हैं, तो ये होता है कमिटमेंट प्रोफेशन। उसके बाद होता है आपका प्रेजेंस, कुछ स्किल्स होती है, कुछ कौशलताएं होती है, कुछ रिस्पांसिबिलिटीज होती है, किसकी, टीचर प्रोफेशन की। वो रिस्पांसिबिलिटीज किस तरीके से होती है, जैसे कि प्रेजेंस यानी कि उपस्थिति। एक टीचर को प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो ड्यूटी के पर्पस से हो, चाहे वो सोसाइटी के पर्पस से हो, चाहे वो स्कूल के पर्पस से हो, प्रेजेंट ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि अगर बच्चे को पढ़ाने जा रहा है तो टीचर को चाहिए कि वो पंचुअल तरीके से अपने टाइमली तरीके से जाए, टाइमली तरीके से पढ़ाए और अपने सब्जेक्ट मास्टरी में अपने पूरी तरीके से योजना बना के जाए पढ़ाने के लिए, ताकि आपका जो शिक्षण है वो पूरी तरीके से प्रभावित तरीके से बच्चों को समझ में आ सके। उसके बाद होता है आपका पंचुअलिटी, ऑब्वियसली समयबद्धता, यानी कि टीचर को पंचुअल होना बहुत जरूरी होता है। अगर टीचर ने कोई चीज कह दिया है तो उसको पूरा करना चाहिए, नहीं तो बच्चों के अंदर में कौन से गुण पनपने लगती है कि झूठ बोलने वाले गुण पनपने लगती है। तो पंचुअलिटी कब होगा, जब टीचर खुद करेंगे अपने बिहेवियर में तभी बच्चे भी करेंगे, तो पंचुअलिटी बहुत जरूरी होता है। उसके बाद होता है आपका प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी। ऐसा नहीं है कि आप बच्चों के सामने गए और कुछ भी पढ़ाना शुरू कर दिए, क्योंकि कल का डेट जो क्या था, कल का डेट में ये होता था कि कुछ भी आकर के पढ़ाए, बच्चे जो है चुपचाप बैठे रहते थे। आज का डेट वैसा नहीं है, आज का डेट है कि सबसे पहले आप बच्चों को समझो। इसीलिए तो क्या है, साइकोलॉजिस्ट जो सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट कॉग्निटिव थ्योरी दिए हैं जेन पियाजे ने, वो क्या कहते हैं कि बच्चा जो होता है ना एक नन्हा साइंटिस्ट होता है। तो आप बच्चों को कुछ भी पढ़ा करके, बच्चों को कुछ भी सिखा करके आप नहीं निकल सकते हो, आप वो एक साइंटिस्ट है, वो आपसे ज्यादा डेवलप और नया दिमाग रखता है। तो ये कंपलसरी है कि आप जो है किसी भी चीज को तैयार करके जाए। इसी तरह से साइकोलॉजिस्ट फ्रॉबेल क्या कहते हैं, स्कूल इज अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन, और उस गार्डन में बच्चा क्या होता है, एक बहुत कोमल सा, बहुत नाजुक सा एक पौधा होता है, और उस पौधे को देख रेख करने वाला, उस पौधे का, उस बच्चे को देख रेख करने वाला, उसको तराशने वाला, उसकी जिंदगी बनाने वाला कौन होता है, गार्डनर होता है, यानी कि माली होता है। तो यह कंपलसरी होता है कि टीचर प्रोफेशन में आपको अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से एकदम क्या कहते हैं कि चलाक रहना है, तैयार रहना है, पूरी तरीके से आप जो है क्या कहते हैं ट्रूथफुल रहना है ना। उसके बाद होता है आपका टीचिंग स्ट्रक्चर, यानी कि शिक्षण संरचना, जो आप पढ़ा रहे हो, जो आप सिखा रहे हो बच्चों को, उसको पूरी तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में सिखाओ। ऐसा नहीं है कि आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो आज और दूसरे क्लास में आपने टेक्नोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। आप कोरिलेट करके आप उसका स्ट्रक्चर अच्छे से बनाओ कि इस तरीके से सिखाया जाएगा बच्चे को, इस तरीके से गुण दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट करा दिया, ऐसा नहीं है कि टीचर प्रोफेशन नहीं है, सिलेबस कंप्लीट करा दिया। टीचर प्रोफेशन ये नहीं है कि आप अपना क्लास अपने पीरियड के अकॉर्डिंग ले लिया, उसके बाद में बोला आप मेरा क्लास नहीं है, ये नहीं है। टीचर प्रोफेशन ये होता है कि आप उसकी हर हेल्प में, हर चीजों में, हर प्रॉब्लम में उसको जो बियॉन्ड जाकर के उसकी हेल्प करो। तो ये था आपका टीचर प्रोफेशन, जो क्या है आपके पिछले लेक्चर से बहुत कोरिलेट है। अगर ये पूरा का पूरा लेक्चर आप एक बार देखते हैं तो आई डैम श्योर और 110% श्योर कि आप जो है पूरी तरीके से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। और इसी तरीके से अगर जब भी टीचर प्रोफेशन के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी तरीके से
घुमा के पूछा जाता है, तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आप अगर वो सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे सुन करके, तो कभी भी आपको इसका आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ऑब्वियसली आपका जो आंसर होगा बहुत इफेक्टिव होगा और 110% आपका सबसे ज्यादा मार्क्स आएगा। ये है आपका टीचर प्रोफेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज को, किसी तरह की जो है क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछें, मैं आपको विद इन 5 मिनट्स आपको आंसर करूंगा। तो आई होप कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।